गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, मुझे लगता है कि आप सबने अच्छे से घर पर बैठ के ही क्रिसमस मनाई होगी। अब क्रिसमस के बाद हम फिर से अपने ट्रैक पे आ जाते हैं और इसके लिए सबसे पहले हमारी थर्ड यूनिट जो शुरू होगी उसके लिए हमारे चैप्टर नंबर 10 और 11 हो गए हैं। इसके अलावा इस बार ऐसे भी हम उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, तो हमारा एक और नया चैप्टर आएगा सारा अक्षर, तो वो हम करें। इससे पहले मैं आपको सारा अक्षर जो हमारा ऐसे है वो आपको करवा देती हूँ, ताकि जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आप उसको और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो हमारा सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर जो है वो है सारा अक्षर। तो सारा अक्षर यानी गुड हैंडराइटिंग, ये हैंडराइटिंग के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि ये स्किल जो है वो सभी के पास होती नहीं है, पर हाँ ये स्किल ऐसी स्किल है जिसको हम डेवलप कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे ऐसे नंबर 1 सारा अक्षर। खराब अक्षर ए अधूरी केड़वनी नी निशानी छे। गांधी जी ये कहेली आ बात खरेखर योग्य छे कि खराब अक्षर यानी कि अच्छी हैंडराइटिंग नहीं होती है, तो इसका मतलब है हमारी अच्छी तरह से ट्रेनिंग नहीं हुई है। गांधी जी ने ये बात बहुत सालों पहले की थी, पर और ये सचमुच में सही है कि हैंडराइटिंग जो है वो एक मिरर की तरह होते हैं हमारी पर्सनालिटी के। जेवी रीते जीवन में एक सारा व्यक्तित्वनो प्रभाव पड़े छे, तेवी ज रीते सारा अक्षरनो प्रभाव पर पड़े छे कि हमारी लाइफ जो है उसमें एक अच्छी पर्सनालिटी का जिस तरह से इफेक्ट आता है, इसी तरह से एक अच्छी हैंडराइटिंग है उसका भी जो है प्रभाव यानी कि इफेक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। सारा अक्षर एक एवी कला छे जेने प्रयत्न द्वारा सुधारी सकाय छे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हैंडराइटिंग जो है वो ड्राइंग और क्राफ्ट इसके जैसा स्किल नहीं है कि जो इनबॉर्न होता है, पर कई कई लोगों का होता है पर सभी लोग का नहीं होता, तो वो लोग अपनी मेहनत से और बहुत बार प्रयत्न करके उसको सुधार सकते हैं। सुंदर अक्षर जूनारा दिल जीती ले छे कि अगर अच्छी हैंडराइटिंग होगी तो वो देखने वाले का दिल जरूर जीत लेते हैं कि वाह कितना नीट वर्क उन्होंने किया है। और इसके अलावा अक्षरों पर थी व्यक्ति न स्वभाव तालीम अने तेनी काम करवानी इच्छानो पण ख्याल आवे छे कि राइटिंग जो है वो एक मिरर की तरह है, वो कैसे पता चलता है कि राइटिंग से उनका नेचर कैसा है वो पता चलता है, उसको किस तरह की ट्रेनिंग मिली है, तालीम यानी ट्रेनिंग, और उसकी वो काम करने की इच्छा यानी डिज़ायर कैसी है उसका भी ख्याल आता है। कई बार जैसे टीचर है क्लास में 2 पीरियड लेके बहुत सारा पूरा बोर्ड भर के लिखाते हैं, तो शुरू शुरू में राइटिंग अच्छी होती है, उसके बाद जैसे निपटाना ही है इस तरह से अगर हम करते हैं तो वो लास्ट में राइटिंग धीरे धीरे बिगड़ती जाती है। तो इस तरह से आपकी लिखने की इच्छा कैसी है वो भी उसी से पता चल जाता है। मोतीना दाणा जेवा अक्षर स्वच्छतानो संदेश पण आपे छे कि अगर दाने जैसे हो ऐसे ही अगर वो राइटिंग दिखती है तो मतलब हम बहुत नीट वर्क चाहते हैं, ऐसा भी नज़र आता है। तो ओवरऑल जो हमारी पर्सनालिटी है उसका पूरा पूरा रिफ्लेक्शन जो है हमारी हैंडराइटिंग पर से आता है कि हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा विश्वास हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो कैसा है वो भी हमारी हैंडराइटिंग से पता चलता है। एक बुक भी बहुत अच्छी है कि जिसके अंदर पूरा दिया हुआ है कि किस तरह से कैसी हैंडराइटिंग है, इसके ऊपर से इंसान का जो मतलब नेचर है वो उनकी जो इच्छाएं हैं वो कैसा है वो उसके ऊपर से पता चलता है, इसके अलावा उसकी टोटल पर्सनालिटी है उसके बारे में भी पता चल जाता है, और उसका प्रोफेशन कैसा है, टीचर है तो उसकी हैंडराइटिंग इस तरह से होती है, कोई जो टेक्निकल फील्ड में है तो उनकी हैंडराइटिंग कैसी होती है, कोई साइंटिस्ट है तो उसकी हैंडराइटिंग कैसी होती है, वो सब कुछ
उसकी हैंडराइटिंग पर से हम उसके प्रोफेशन को भी पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे जीवन में हैंडराइटिंग का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सुलेखनी चोपड़ी माँ, अगर हमारे राइटिंग को हम सुधारना चाहते हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो वो सुलेखन यानी कि कर्सिव राइटिंग की बुक में लिखने से, बचपन से ही अगर हम कर्सिव राइटिंग की बुक में लिखना शुरू कर देते तो उससे लखवाती क्या होता है, मरोड़ सारा आवे छे। मरोड़ का मतलब होता है कर्व्स, वो बहुत अच्छे आते हैं और वो परमानेंट रहते हैं। तो केटलाक लोको भीनी माटी में लखीने अणीदार पेन्सिल सारा पानानो उपयोग आ बधुं करवाथी पण एने सुधारी शकाय छे। अगर हमारी पेन जो है वो उसकी क्वालिटी कैसी है, पेंसिल है तो वो एकदम शार्पन की हुई होती है, उससे भी और अच्छी क्वालिटी के पेपर पर लिखने से भी हम अपनी हैंडराइटिंग को सुधार सकते हैं। तो सारा अक्षर एटले व्यक्तित्वनो परछायो, मैंने आपको पहले भी बताया कि एक अच्छी हैंडराइटिंग यानी पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन है। जेवा अक्षर तेवो व्यक्तित्व, हमारी हैंडराइटिंग जैसी होगी ऐसा ही हमारी पर्सनालिटी का सबको पता चलता है। अगर हम अच्छी तरह से लाइन में हर एक लेटर को एक अच्छी तरह से बैलेंस करके और उसकी जो चीज़ें हैं, मतलब हर एक चीज़ का कैसा कर्व्स है, वो सब पता चल जाता है कि उनकी पर्सनालिटी कैसी है। कोई भी अगर इंसान साइन करके पीछे एक डॉट मारता है, मीन्स ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। तो इस तरह से उनकी हैंडराइटिंग से, उनके लिखने का तरीके से हम उनकी पर्सनालिटी को बहुत अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। और सारा अक्षर करवा एक कठिन छे पर मुश्किल नथी, अगर हम अच्छी तरह से ट्राई करते रहेंगे तो नथिंग कैन इम्पॉसिबल, तेने प्रयत्न द्वारा सुधारी सकाय छे। ट्राई ट्राई यू विल सक्सीड। चलो आपने पण प्रतिज्ञा करी के सारा अक्षर थी साची केळवणी थी पोताना जीवन ने सार्थक बनावीशुं। अक्षरो थी अने साची ट्रेनिंग थी आपणे आपणा जीवन ने खूब ज सुंदर बनावी शकीशुं। तो यहाँ पर ये जो सारा अक्षर ऐसे नंबर वन है वो कंप्लीट हो रहा है, आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, क्योंकि यूनिट टेस्ट जब थर्ड होगी तब इसमें पूछा जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम और एक करेंगे, साची मित्रता, वो ऐसे हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। टिल देन बाय।